अंबिकापुर जो कि हमारे जिले का मुख्यालय है, उसमें लगभग 1000 बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण या स्वच्छ रखने की और स्वस्थ रखने की अच्छी आदतों के ज्ञान के अभाव के कारण कुपोषण के चक्र में फंसे हुए हैं। सरगुजा जिले में और सरगुजा संभाग में बच्चों को सबसे पहले कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत काम किया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन ने आज एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज 300 से ज़्यादा बच्चों को गोद लेने के लिए ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, लोग ये सब सामने आए हैं और उन्होंने ये वचन दिया है कि वे ऐसे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश ये है कि जन भावनाओं के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से लोगों को इस विषय पे हम जागृत करें और जब लोग जागृत हो जाएंगे तो स्वतः ही अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और ये जिस दिन ये स्थिति हम ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक स्थापित कर लेंगे, मुझे आशा है कि शीघ्र ही हमारा सरगुजा जिला पूर्णतः सुपोषित हो जाएगा। आपसे तालियों का अनुरोध करूँगा।